पोलियो से ग्रस्त हरेंद्र आज जर्मनी देश की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने इनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के द्वारा प्रबल किया है। एक छोटी सी उम्र में हरेंद्र को पोलियो ने जकड़ लिया। उन्हें लेकर उनके माता पिता ने बहुत चिकित्सकों को दिखाया, जिन्होंने दवाई के साथ निरंतर मालिश करने का सुझाव दिया, लेकिन हरेंद्र की हालत अब ऐसे ही रहने वाली थी। हर प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए माता पिता ने हरेंद्र की पढ़ाई को जारी रखा। विज्ञान में रुचि रखने वाले हरेंद्र ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत समस्तीपुर से करी। मेहनती और लगनशील हरेंद्र साल दर साल अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होते गए। समस्तीपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और आज बर्लिन शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में उच्चतम पढ़ाई कर रहे हरेंद्र की मानसिक ताकत और स्वावलंबन की सराहना उनके पिता कुछ इस तरह करते हैं। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है, 12 बजे तक पढ़ते रहता है। हरेंद्र ने खुद से ही स्कॉलरशिप के बारे में पता लगाया और अपने आवेदन को सफल बनाया। इस स्कॉलरशिप के जरिए हरेंद्र आज विदेश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी एकाग्रचित होकर पूरा कर पा रहे हैं। सरकार के प्रति आभार हरेंद्र कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। I got my scholarship from Ministry of Social Justice and Empowerment. So I'd like to thanks to our government and our scholarship department. They are very helpful. How can I apply and how can I do all the process? Indian government have launched a beautiful scholarship for the person with disability. I speak with my parents, my teachers. They all are happy. Then they say, I'm proud of you. And I also feeling very happy because my dream is to go do my research.